साथियों, बिहार के युवाओं को बिहार में ही अच्छा और सम्मानजनक रोजगार मिले, ये बहुत जरूरी है। सवाल ये है कि ये कौन दिला सकता है? वो लोग जिन्होंने बिहार को अंधेरे और अपराध की पहचान दी, वो लोग जिनके लिए रोजगार देना करोड़ों की कमाई का माध्यम है, या फिर नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए जिसने बिहार को बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर निकालने का अद्भुत काम किया है। आप याद करिए, जंगल राज की हालत तो ये थी कि जो उद्योग, जो चीनी मिले दशकों से चंपारण और बिहार का हम हिस्सा रही है, वो भी सारी की सारी बंद हो गई। अब तो इस चुनाव में जंगल राज वालों के साथ नक्सलवाद के समर्थक देश के टुकड़े टुकड़े करने की चाहत रखने वालों के समर्थक वे भी बढ़ चढ़ करके बारात में जुड़ गए हैं। अब अगर इनको जरा भी मौका मिल गया तो बिहार वापस उस हिंसा, अराजकता, अपहरण के उस खतरनाक दौर में फिर से पहुंच जाएगा, और इसलिए बिहार को सतर्क रहना है, बिहार को सावधान रहना है। जंगल राज के युवराज से अलर्ट रहना है। साथियों, जंगल राज वालों ने अगर कभी आपकी चिंता की होती तो बिहार विकास की दौड़ में इतना पिछड़ता नहीं। सच्चाई ये है कि इन्हें न पहले आपकी चिंता थी और न ही आज भी है। इनकी चिंता जरा कुछ और है। जंगल राज वालों को चिंता है कि अपनी बेनामी संपत्ति कैसे छिपाएं। एनडीए का प्रयास है कि हम बिहार के अपने गरीब भाई बहनों को ज्यादा से ज्यादा पक्के घर कैसे बना के दें। जंगल राज वालों को चिंता है कि अपनी तिजोरी कैसे भरे, जबकि हमारी प्राथमिकता है बिहार के किसानों को, बिहार के श्रमिकों को, बिहार के बुजुर्गों को पैसे सीधे उनके बैंक खाते में कैसे पहुंचाए। जंगल राज वालों को चिंता है कि लालटेन कैसे जले। हमारा प्रयास है कि हर घर में दूधिया चमकदार एलईडी बल्ब कैसे पहुंचे। साथियों, इन लोगों ने कभी बिहार की महिलाओं, बिहार की बहन बेटियों के होने वाली परेशानी की कभी चिंता नहीं की। वो खुले में शौच जाने में उसके लिए मजबूर थी, उनकी सुरक्षा पर खतरा रहता था, लेकिन जंगल राज वाले जंगल जैसे हालात बनाए रखना चाहते थे। ये एनडीए की सरकार है,
जिसने बिहार की माताओं बहनों के लिए लाखों शौचालय बनाकर उनकी परेशानी कम करने का प्रयास किया है।